आपको भी मकान मालिक करता है परेशान तो अब ना करे बर्दाश्त प्रदेश में किराए में रहने वाले लोग जान ले ये कानूनी नियम एक मिनट में बंद हो जाएगी मकान मालिक की बोलती मकान मालिक की चिकचिक ऐसी -चिक परेशान तो जान ले किराएदारों के लिए बनाया गया ये कानूनी अधिकार एक झटके में ही निकल जाएगी मकान मालिक की हैकड़ी किराएदारों के लिए बड़े काम का है ये वीडियो देखने वाले किराएदारों का खत्म हो जाएगा सिर दर्द नहीं होगी कोई बहस वीडियो में समझे पूरी बात जैसे आप सभी लोगों को पता ही होगा कि लोग नौकरी की तलाश में शहर चले जाते हैं और फिर वही बस जाते हैं ऐसे में शुरुआत से अपना घर लेकर रहना बहुत ही मुश्किल काम है इसीलिए लोग किराए के मकान में रहने लगते हैं आपको बता दे कि अगर आप किराए के मकान लेकर रहते हैं तो आपको कुछ चीज़ों के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है खास कर किरदार के तौर पर आपका क्या अधिकार है इसके बारे में आपको जरूरी पता होना चाहिए ताकि आपके साथ किराए के मकान में कुछ गलत ना हो आपको बता दे अगर आप किराए के मकान में रहते हैं तो आपको बतौर किराएदार कुछ प्रमुख अधिकार मिलते हैं जिन्हें जानना बहुत ही आवश्यक है जिससे कि आपका मकान मालिक आपका शोषण ना कर सके आइए विस्तार से जानते हैं, एक किराएदार को कितने तरीके के अधिकार दिए जाते हैं एकांत का अधिकार आपको बता दे कि सबसे जरूरी चीज होता है आपकी प्राइवेसी इसके लिए आपको बता दे कि एक बार घर के किराए का समझौता हो जाने पर मकान मालिक किराएदार को उसके कमरे में घुसकर परेशान नहीं कर सकते हैं। की आसान शब्दों में कहे तो मकान मालिक किराएदार को उनके कमरे में घुस कर डिस्टर्ब नहीं कर सकता आपको बता दे कि अगर मकान मालिक को किराएदार के कमरे में जाना है तो उससे पहले परमिशन लेनी होगी किराएदार के बिना परमिशन के या इजाजत के कमरे में नहीं जा सकते हैं मकान मालिक वेवजह घर से नहीं निकाल सकते हैं किराएदार को मकान मालिक वे वजह घर से किराएदार गर को नहीं निकाल सकते उन्हें घर से निकालने से पहले नोटिस जारी करना होगा मतलब कि अगर कोई लोग किराए के मकान पर रहते हैं तो अचानक से मकान मालिक आते हैं और अनुसूचित ढंग से किराएदार को कमरे और घर से बेदखल कर देते हैं और ये कानूनी रूप से गलत है बिना किसी ठोस कारण के वो किराएदार को घर से कमरे से बेदखल नहीं कर सकते तो लेकिन अगर किराएदार पिछले दो महीने से किराया या उसकी प्रॉपर्टी में कमर्शियल या गैर कानूनी काम उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसी स्थिति में है तो किराएदार को कमरे या घर से बाहर निकाला जा सकता है आपको बता दें मकान मालिक को किराएदार को घर से बाहर निकालने के लिए पंद्रह दिन का नोटिस पीरियड देना होता है मकान मालिक किरायेदार से मनमानी किराया नहीं मांग सकते मकान मालिक किराएदार से मनमानी किराया नहीं मांग सकते हैं। आपको एक जानकारी बता होनी चाहिए क्या आपका मकान मालिक आप मनमानी किराया वसूली नहीं कर सकता है अगर किसी मकान मालिक को उसके किराएदार से किराया वसूली करनी है तो उसे किराया वसूल करने के तीन महीने एक नोटिस देना होगा इसके अतिरिक्त मकान मालिक को बाजार में मार्केट में जो दरें चल रही है उसके संपत्ति के मूल हाथ को जोड़कर किराया देना चाहिए आपको बता दें कि अपने मर्जी से अधिक किराया नहीं ले सकते हैं 1948 फोर्टी एट ईस्वी में एक केंद्रीय किराया नियंत्रण अधिनियम किया गया था पारित आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें कि 1948 फोर्टी ईस्वी में एक केंद्रीय किराया नियंत्रण अधिनियम पारित किए गए थे जिसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना था न तो जमींदार और ना ही किराएदार के अधिकारों को एक दूसरे के द्वारा शोषण किया जा सकता है यह अधिनियम इसके अतिरिक्त सम्पत्ति को किराए पर देने के नियमों को बताते हैं आपको बता दें कि इसमें खास कर ये ध्यान देने वाली बात है कि हर राज्य का अपना किराया नियंत्रण अधिनियम अलग अलग लागू होता है ऐसे में यह अंतर कोई खास अधिक नहीं होता है किराया पर कमरा लेते समय अपने मकान मालिक ऐसी एक लिखित समझौते पर हस्ताक्षर करते ही किराया का कमरा ले ताकि किसी तरीके के विवाद की स्थिति में शिकायत की जा सके किराए के मकान लेने से पहले मकान मालिक को जरूर बता दे ये बातें आपको बता दें कि अगर आप एक किराए का कमरा ले रहे हैं तो कुछ जरूरी बातें अपने मकान मालिक से बोल देनी चाहिए जैसे आपने किराए का कमरा लिया है तो आपको अपने मकान मालिक से बिजली का कनेक्शन पीने का साफ पानी पार्किंग जैसे साधारण सुविधाएं मांगनी चाहिए आपको बता दें कि कोई भी मकान मालिक इन सब चीजों के लिए मना नहीं कर सकते ऐसे में इन सभी चीजों को देने से मना करने पर संबंधित प्राधिकारी उस पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। रख रखाव और सिक्योरिटी जमा ये भी बात जरूर जानने वाली है कि कमरे के रख रखाव के लिए मकान मालिक को स्वयं ही लागत खर्च उठाने पड़ते हैं मकान के किराए में बिजली और पानी का पैसा वर्णन किए हो इसके अतिरिक्त तो मकान मालिक किरायेदार से सिक्योरिटी मनी भी जमा कराते हैं जिसमें किराएदार द्वारा घर छोड़ने जाने के एक महीने बाद दे देना चाहिए या फिर पहले बकाया एडजस्ट कर लेना चाहिए आपके इस विषय में क्या राय हमें साथ जरूर शेयर कीजिए